अगर हम यहाँ अवेलेबल हैं तो एक बार जैसे कंसेप्शन हो गया तो उसके बाद उनको ऑब्वियसली गायनेकोलॉजिस्ट के पास तो जाना ही है, तो वो फिर हमारे पास ही रोकते हैं क्योंकि वो पहले 3 महीने 4 महीने से हमारे से मिल रहे होते हैं, तो वो अटैच्ड होते हैं हमारे से, तो उनको ये नहीं लगता कि अब हम किसी और नए डॉक्टर के पास जाएं। अभी हम हैं पीएमजी हॉस्पिटल के उस चैम्बर में, यहाँ पर हमें लोगों को तो एक नहीं यहाँ दो दो रेडियोलॉजिस्ट हमें अवेलेबल हैं। आप दोनों का स्वागत है जी हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार जी। जो आजकल जितनी भी बीमारियाँ हैं जैसे एकदम प्राइमरी स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह है, उसका कोई भी उसका जो कारण है उसमें अपने को पता लगता है। प्रेगनेंसी के अंदर आप जो भी है कि उनका जो प्रेगनेंसी में अलग अलग लेवल होते हैं, लेवल 1 लेवल 2 और जो बेसिक स्कैन्स होते हैं वो सारे स्कैन में अपने बच्चे की सारी कंडीशन इसमें अपने को अच्छे ढंग से पता चलती है। बच्चे की कंडीशन, बच्चे के जो अंग हैं वो सही ढंग से डेवलप हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, या पेट में कोई भी पथरी है, कोई गांठ है, या कोई लीवर से रिलेटेड कोई दिक्कत है, कोई भी ऑर्गन जो पेट का है उससे रिलेटेड कोई भी बीमारी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें अपने को अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। और हमारे पास यहाँ पर गंगानगर की सबसे बेस्ट मशीन अल्ट्रासाउंड की यहाँ पर इंस्टॉल्ड है पीएमजी हॉस्पिटल के अंदर। सर क्या कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल, अगर हम आईवीएफ की बात कर लें, इनफर्टिलिटी की बात कर लें, तो उसके लिए भी ये हॉस्पिटल जाना जाता है क्योंकि इसमें एक इनफर्टिलिटी जो फर्टिलिटी सेंटर आपके पास नवकवर के रूप में मौजूद है उसमें भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर हम बात कर लें आर्थो की बात कर लें, आर्थोपेडिक की बात कर लें, अगर हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की बात कर लें तो हर तरह की सर्जरी यहाँ पर होती है। ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और उसमें रेडियोलॉजिस्ट 2 बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप और डॉक्टर प्रवीण, जिनका लंबा एक्सपीरियंस है, तो ये एक कॉम्बिनेशन जो है वो भी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा हेल्प कर रहा है। देखिए जो भी बीमारी है आज के टाइम में तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो होता है रेडियोलॉजिस्ट का, क्योंकि जो भी उसका सबसे पहले आप बीमारी का इलाज उसी का कर पाओगे जिसको पहले डायग्नोज होगी, तो बिना डायग्नोसिस के इलाज करना अब लगभग इम्पॉसिबल है किसी भी डॉक्टर के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे सारी तरीके की मशीनें हैं, अल्ट्रासाउंड है, लेबोरेटरी है, सीटी स्कैन की मशीन है, तो एमआरआई की मशीन है, सारी मशीनें यहाँ पे लगी हुई हैं जिससे अपने उसकी डिटेल्ड जो भी है उसकी बॉडी के वो सारी जाँच होती है। और यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पर 2 रेडियोलॉजिस्ट हैं, तो 2 रेडियोलॉजिस्ट के ओपिनियन से जो डायग्नोसिस है वो और क्लियर कट और एक्यूरेट होकर सामने आता है जिससे डॉक्टर को बहुत ही आसानी से उसका इलाज करने में मदद मिलती है, तो यहाँ पे इसका ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। अभी हम बात कर रहे हैं बैकबोन ऑफ दिस हॉस्पिटल प्रवीण जी, जिन्होंने ये बहुत ही मेहनत के साथ इस हॉस्पिटल को आगे बढ़ाया है और ये रुकने वाले नहीं है, हमेशा कोई ना कोई चीज़ नई ऐड करते रहते हैं। अभी भी हम देख सकते हैं कि हॉस्पिटल को हर दिन नई नई चीज़ें बनती हैं और अभी भी इन्होंने जैसे पीछे बहुत ही इसको मल्टी स्पेशलिटी का और भी बड़ा रूप देने जा रहे हैं, बेड्स बढ़ा रहे हैं। टसर स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे कि आपने ये सपना लिया था जिंदगी में कि मैंने एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना है और गंगानगर के एरिया में बिल्कुल हार्ट ऑफ द गंगानगर आपने ये खोला हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कोई भी सीरियस पेशेंट हो उसका, अगर वो पेशेंट कहीं बाहर जाता है या रेफर होता है तो कई बार ऐसा होता है कि वो उसकी डेथ सिर्फ इसलिए हो जाती है कि उसको रेफर किया गया है, रास्ते में और इतने या इतनी एम्बुलेंस में चाहे वो वेंटिलेटर हो, वो उसकी वो पैरामीटर्स होते हैं, उसके वाइटल्स उस तरह से मेंटेन नहीं होते जिस तरह से मेंटेन होने चाहिए, और फिर डॉक्टर्स भी नहीं होते, ट्रेंड स्टाफ भी नहीं होता, और इस वजह से काफ़ी डेथ हो जाती हैं। और डॉक्टर भी सेफर साइड में कई बार ऐसा करते हैं, पेशेंट थोड़ा सा ही रिस्की होते ही उसको रेफर कर देते हैं और पेशेंट की डेथ हो जाती है ऑन ट्रांजेक्शन। तो मेरे मन में ये था कि ऐसा हॉस्पिटल बनाया जाए जिससे ये जो डेथ रेट है इसको कम कर सकें, इसका मेन पर्पज़ ये था, इसीलिए हमने सारे सुपर स्पेशलिस्ट और सारे डायग्नोस्टिक टूल ये इसी हॉस्पिटल में इंस्टॉल किए हैं। ये मेरी कोशिश है कि इसको आगे से आगे लेके जाएं ताकि गंगानगर के अंदर ही फैसिलिटी मिल जाए और इसके पेशेंट को बाहर रेफर ना होना पड़े। ऐसा बेस्ट ट्रॉमा सेंटर बना हुआ है ये हॉस्पिटल क्योंकि आपके पास न्यूरोलॉजिस्ट हैं, आपके पास न्यूरोसर्जन भी हैं, न्यूरोसर्जन भी है, आपके पास न्यूरोसर्जरी का यहाँ पर डिपार्टमेंट है, आपके पास आर्थो का डिपार्टमेंट है, आपके पास सबसे बढ़िया सिटी स्कैन, और वो चीज जो ज्ञात होनी है वो तभी ज्ञात कर लेते हैं जैसे आपके मन में था, वो चीज आपने
किसी हद तक उसको आपने उसमें डाला? बस ये था इसमें कि जल्दी से अर्ली से अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, ताकि अर्ली से अर्ली ट्रीटमेंट हो। कई बार लेट डायग्नोसिस से भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं और पेशेंट की डेथ हो जाती है। सर क्या कहना चाहेंगे, ये हॉस्पिटल जो एक केवल आईवीएफ सेंटर ही नहीं है, उसके साथ साथ गायनेकोलॉजिस्ट है हमारे पास, और अकेला यही नहीं है कि उसको कंसीव कराना, उसको डिलीवरी तक लेकर जाना, उसके बाद पेडिएट्रिशियन, क्या कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल बच्चा स्वस्थ बच्चा देकर तोड़ता है, और उसके साथ साथ इतने स्कैन्स कि जिसके साथ न्यूनेटल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। इसका ये एडवांटेज यही है ना कि एक ही छत के नीचे सारे डिपार्टमेंट होने से कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो इमीडिएटली दूसरे डॉक्टर्स यहाँ अवेलेबल होते हैं, और साथ में उसके डायग्नोस्टिक टूल्स भी अवेलेबल हैं। तो उससे ये सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको कहीं पेशेंट को ना तो इन लोकल भी रेफरेंस नहीं करना पड़ता और डॉक्टरों को वेट नहीं करनी पड़ती। मान लो किसी पेशेंट की ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो सर्जन की ज़रूरत है उस टाइम। मान लो कि सीजेरियन हुआ, पोस्टमार्टम हेमरेज हो गया, डिलीवरी के बाद हेमरेज हो गया, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टरों की पूरी टीम ये एक ही छत के नीचे अवेलेबल है, ताकि पेशेंट को केयर बेस्ट से बेस्ट हो जाए। जैसे अगर हम बात कर लें, यहाँ पर एमरजेंसी है, यहाँ पर आईसीयू है, यहाँ पर मॉडर्न ओटी है, यहाँ पर इतने बढ़िया रूम्स भी हैं और वार्ड भी हैं कि आदमी जब भी इस हॉस्पिटल में आता है तो उसको हर तरह की फैसिलिटी जो बड़े हॉस्पिटल में मिलती है वो यहाँ अवेलेबल है। हाँ, इसकी पूरी कोशिश की गई है और इसको आगे तक बढ़ाते रहेंगे हम। और जो भी चीज़ें हैं, अभी कैथ लैब भी हमारी चल रही है ऊपर, और जो भी चीज़ है हो सकता है हम एक कैंसर सेंटर भी यहाँ लगा लें पीछे, तो पूरी कोशिश रहेगी कैंसर सेंटर भी यहाँ पे हो जाए, ताकि कैंसर के पेशेंटों का इलाज भी के लिए भी उनको कहीं बाहर ना जाना पड़े। ऐसे ये हॉस्पिटल एक आम आदमी का, एक मीडियम कोर का और बड़े लोगों का, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि आपके मन में हमेशा था कि कोई गरीब भी आए तो मेरे हॉस्पिटल से, वो भी ये नहीं हो कि उसको कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसको भी यहाँ पर इलाज मिल रहा है और बिल्कुल साइड रेट्स के ऊपर गरीबों को, और जो मीडियम कोर है उनको भी और बढ़ेगा। हाँ, इसमें ये था कि कोशिश यही है कि इलाज सस्ते से सस्ता मिले, और अभी तक अनफॉर्चुनेटली हम उतने सक्सेस नहीं हुए जितने हमें होना चाहिए था। लेकिन हम मेरे को ये हर हालत में ऐसा करना है कि ताकि गरीब पेशेंट को कम से कम पैसों में इलाज मिले, ब्रदर, और अमीरों को भी ऐसी बात नहीं है, उनको भी अच्छा इलाज मिले, अच्छी फैसिलिटी मिले, अच्छे रूम्स मिल जाए, साफ़ सुथरा वातावरण मिले, और उनका इलाज में भी कम से कम पैसे लगें। सर जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स की बात है, यहाँ पर है लागू कौन कौन सी एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है यहाँ पर लागू है? अभी यहाँ पे मेनली चिरंजीवी ही लागू है, और TPA के कुछ पैनल्स हैं यहाँ पे, और RGHS जस्ट आने वाला ही है, समझो कुछ ही दिनों की बात है वो। बस आपका बहुत धन्यवाद, हमने हमें समझ दिया, और हम चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल जब और सुपर स्पेशलिटी हो जाए, क्योंकि आप लोग खड़े होने वाले नहीं और रितेश जो यहाँ सेवाएं दे रही है एज ए काउंसलर। सबसे बड़ी बात है कि जब भी पेशेंट आते हैं थके हारे, उनके माइंड में एक प्रेशर होता है, और वो जब मिलते हैं ज्योतिष जी के साथ, ये उनको जब बताते हैं कि हमारा नवंकर IVF जो है किस तरीके के साथ एक साल में इतने बढ़िया रिजल्ट दे रहा है, तो वो इस जोन में जाते हैं, उनका माइंड सेट अप रिलैक्स होता है। ज्योतिष जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू। हेलो, देखिए नवंकर IVF सेंटर बहुत अच्छी सुविधा लेके आया है आपके लिए, जिसमें निसंतान दंपति जिनको एक साल की सफल मैरिज के बावजूद बच्चे का सुख नहीं मिल पा रहा, उन लोगों को हम लोग सेवाएं प्राप्त करवाते हैं, ताकि वो निसंतानता के जो जिस दुख में हैं, जिस दुख को वो झेल नहीं पा रहे हैं, उन सिचुएशन से बाहर आके संतान सुख ले सकें। तो निसंतानता कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अगर मतलब बहुत सारे कपल्स जो एक साल शादी के बावजूद भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग हमसे आके मिलते हैं, हम उनके टेस्ट करवाते हैं, उनमें हमें पता चलता है कि उनके साथ क्या दिक्कत है। कई बार ऐसी दिक्कतें होती हैं जो मतलब कि सिंपल IVF प्रोसीजर से पे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती पेशेंट्स को, नॉर्मल मेडिकेशन, नॉर्मल इंडक्शन से ही पेशेंट कंसीव कर जाता है।
और कई बार बहुत उम्रदराज लोग होते हैं या 45 साल 50 साल, उन औरतों के अंदर भी प्रेगनेंसी आती है कई बार। जैसे आजकल मोस्ट कॉमन गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जैसे फाइब्रॉइड्स है, एंडोमेट्रियोसिस है, या जिनकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग नहीं बन पा रही है, ब्लड फ्लो नहीं आ रहा है, उसकी वजह से कंसीव नहीं कर पा रहा है पेशेंट, या फिर उनका AMH वैल्यू लो है, उनके एग मेच्योर नहीं है, प्री मेच्योर रप्चर हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम IVF और ICSI प्रोसीजर के सहायता से उनका ट्रीटमेंट करके हम उनको प्रेगनेंसी ला के देते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, हमारा टीम वर्क है डॉक्टर विक्रम सिंह भाटी और डॉक्टर शिवानी गर्ग हैं गायनोकोलॉजिस्ट, जिनके फुल सपोर्ट से हमारा सेंटर एक साल से बहुत अच्छी सुविधा दे रहा है। इस एक साल में हमारा रिजल्ट इतना अच्छा रहा है कि 100 से ज़्यादा बच्चे हमारे सेंटर पे डिलीवर हो चुके हैं। और इसमें डॉक्टर विक्रम सिंह भाटी जो कि एक बेस्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट है नॉर्थ जोन से, जिनको अवार्ड भी मिल चुका है, वो ICSI करते हैं। ICSI में वो अपने हाथों से एक एक एग को फर्टिलाइज करते हैं विद ICSI में स्पर्म की क्वालिटी को देख के, उसमें एक एक एग में एक एक स्पर्म इंजेक्ट करके। तो जैसे ये इमेज है कि एक एग के अंदर एक एक स्पर्म इस नीडल की हेल्प से कैसे इंजेक्ट करके एम्ब्रियो बनता है। ICSI के अंदर ये भी बेनिफिट रहता है कि उसमें जो एम्ब्रियो की क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, IVF ट्रीटमेंट से भी अच्छी होती है। तो ICSI में रिजल्ट भी IVF से अच्छे रहते हैं। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ का MBS जो कि बहुत ही बढ़िया है, और आप लोग जैसे एक साल में आपने रिजल्ट दिए हैं, और मैडम जो कि बहुत ही पोलाइट और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ सेवाएं दे रही हैं, और आपके साथ सोने पे सुहागा वर्ल्ड क्लास एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो बट्टी जी हैं वो भी यहाँ पर हैं। देखिए ये टीम वर्क है हमारा पूरा, बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है। डॉक्टर शिवानी गर्ग हैं गायनोकोलॉजिस्ट जो हमें पूरा सपोर्ट करती हैं और जो गाइड करती हैं, जिसकी वजह से हम पेशेंट को प्रॉपर एडवाइस कर पाते हैं, उनका प्रॉपर फॉलोअप ले पाते हैं, उनको समझा पाते हैं किस ड्रग से उनको दिक्कत हो रही है, उसकी क्या मैनेजमेंट है। तो पूरा टीम वर्क की तरह काम किया जाता है। डॉक्टर भाटी हैं, उनका भी फुल सपोर्ट रहता है एम्ब्रियोलॉजिकल डिटेल्स के लिए, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए कि कौन सी क्वालिटी का एम्ब्रियो, D4 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पे जाना है या D5 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पे जाना है। तो इससे क्या है, इससे हमारा रिजल्ट बहुत इम्प्रूव और बेटर रहता है। तो ये एक टीम वर्क है जिसमें डॉक्टर शिवानी मैम और डॉक्टर भाटी सर दोनों का इम्पोर्टेंट बहुत रोल है इस प्रोसीजर और इस सक्सेस के पीछे। धन्यवाद जी आपका हमें समय देने के लिए, और जैसे आप पेशेंट्स को काउंसल करते हैं, आज हम आपने हमारे दर्शकों को काउंसल किया। जो भी पेशेंट निसंतानता से परेशानी में है, चाहे वो पंजाब में है, चाहे हरियाणा में है, चाहे राजस्थान में है, क्योंकि ये एक ऐसा वेंचर है, यहाँ पर तीनों स्टेट्स जो है वो यहाँ आ सकती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी पेशेंट आपको मिलता है जो इस तरीके की समस्या से जूझ रहा है और मेंटली बहुत डिप्रेस है, तो प्लीज़ आप उन्हें गाइड कीजिए और हमारे सेंटर पे भेजिए, हम उनकी सहायता के लिए हमेशा रेडी हैं। देखिए ये हमारे पेशेंट हैं सुरजीत जी, परमजीत जी, ये हमसे मिले थे 3 महीने पहले, और इनकी उम्र है 50 साल, उनकी उम्र है 52 साल। तो ये पिछले 23 सालों से निसंतानता से परेशान थे, इनको बच्चा नहीं हो रहा था, और ये फिर हमसे आके मिले, आज इनको बेटी हुई है। ठीक है, आज ही सन है ना कि तब प्रोग्राम बेटी हुई है साड़ी आई भी अब करके। किन्नी उम्र है थोड़ी? साड़ी की उम्र 55 साल है जी। ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਵੇਂ ਜੈਪੁਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ आपकी बेटी से मिलके, देख के आपको इतने सालों बाद कैसा लगा? बढ़िया लगी जी। दर्शकों पंजाब चैनल के हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर शिवानी गर्ग जो कि नवंकर PMG एडवांस IVF सेंटर में अपनी सेवाएं दे रही हैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, और इनके साथ डॉक्टर विक्रम सिंह भट्टी। डॉक्टर स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो। थैंक यू सो मच। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि ये करिश्मा जो आपने एक साल में 100+ रिजल्ट्स देने का हुआ है, क्या कहना चाहेंगे कि पेशेंट जो है उनकी संख्या भी उतनी की थी और भगवान ने 80% तक जो है ये जो रिजल्ट्स है वो भगवान ने यहाँ पर इस सेंटर में दे दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम भी इस चीज़ के लिए बहुत थैंकफुल हैं
कि हमने ये अचीव किया 1.5 ईयर में, हमने ऑलमोस्ट मोर देन 100 डिलीवरीज का टारगेट अचीव किया। ऐसा नहीं है कि हमारे पास 100 पेशेंट्स ही आए, हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स तो काफ़ी आए ठीक है, बट कुछ नेचुरली जैसे हम हर जगह 100% तो कोई भी नहीं दे सकता, तो हम भी 100% तो नहीं दे पाए। हाँ ये था कि हमारे नेगेटिव बहुत कम गए और हमारे सक्सेसफुल काफ़ी अच्छे गए, इसीलिए हमने 1.5 मतलब 1.5 साल में हमने 100 अचीव किया। तो उसमें मैं ये कहूँगी कि हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो हैं उनका बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि ऑब्वियसली एम्ब्रियोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है IVF में। तो हमारे विक्रम भाटी जी हैं, उनका बहुत अच्छा इसमें, वो वैसे भी बहुत फेमस एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि हम सब ICSI करते हैं, और ICSI के साथ साथ हम लोग PGT और ERA एंड PGS ये सब भी करते हैं। तो हमें ये था कि अगर हमें कोई पेशेंट ऐसा लगता था जिसमें हमें लग रहा था कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसका साइड बाय साइड हम सारी सैम्पलिंग भी करते गए, जिससे कि हमें मतलब हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर ये चीज़ करके, और हमने काफ़ी अच्छा अचीव भी किया। दैट इज़ द कॉज। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि एक MS जो है डॉक्टर पूनम और आप गायनेकोलॉजिस्ट और साथ में विक्रम जी, ये एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि विक्रम जी जो है वो रिनोड एम्ब्रोलॉजिस्ट हैं और उनकी सेवाएं यहाँ राउंड द क्लॉक, और आप एज ए गायनेकोलॉजिस्ट और मैडम पूनम जो MS हैं, कोई भी प्रोसीजर होते हैं तो वो भी यहीं पर हो जाते हैं, एक ही छत के नीचे सब चीज़ें जो है, जो बंदा इनफर्टिलिटी के लिए आता है, जो बंदा किसी और प्रॉब्लम के लिए, कोई PCOD के लिए आता है, कोई एंडोमेट्रियोसिस के लिए आता है, किसी भी प्रॉब्लम के लिए आता है, तो एक ही छत के नीचे उसका इलाज होता है। हाँ जी बिल्कुल, ये है यहाँ पर कि हमारे पास अगर कोई भी पेशेंट आता है और हमें लगता है कि हमें इसमें कोई भी और इंटरवेंशन करना है, सपोज हमें हिस्ट्रोस्कोपी करना है, लैप्रोस्कोपी करना है, तो हम सब कुछ ऑन द स्पॉट यहाँ पर डिसीजन लेके कर सकते हैं। हमें ये नहीं है कि हमें पेशेंट को कहीं और भेजना पड़ता है। और हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ कॉम्बिनेशन गायनेकोलॉजिस्ट और एम्ब्रियोलॉजिस्ट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे अवेलेबल है, वो कहीं पे भी नहीं है एक्चुअली हमारे पूरे राजस्थान में, ये कॉम्बिनेशन नहीं है कि हमारे पास एम्ब्रियोलॉजिस्ट 24 आवर अवेलेबल है, वो हमारा प्लस पॉइंट है। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे केस जो आप लोग काउंसलिंग के साथ सॉल्व कर देते हैं, कई बार आते हैं लोग दो बार फेलर होते हैं, लेकिन जब आपसे मिलते हैं, आपका उनको ये जोन में लेकर जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो सिंपल रीजन के कारण, वो प्रेशर के कारण ही ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हैं, और वो प्रेशर आप रिलीज कर देते हैं क्योंकि आप प्रेम से उनसे बात करते हैं। पहले आपकी काउंसलर जो बहुत ही इंटेलिजेंटली पहले उनको ई जोन में लेकर जाती है, जब आपके पास आते हैं आप उनको काउंसल करते हैं, देखते हैं कि नहीं ये तो सिंपल रीजन है, और वो जो है प्रॉब्लम जो सिंपल होती है उसको कवर किया और दे आर कंसीव। यस एक्चुअली उसमें ये है कि जो कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आता है, इन जनरल भी नॉट ओनली IVF, एवरी पेशेंट नीड्स काउंसलिंग। तो जो हमारे काउंसलर हैं वो इस चीज़ में शी इज़ वेरी इन टू मतलब वो ये नहीं सोचती हैं कि ये पेशेंट हमारे पास रजिस्टर होगा या नहीं होगा, वो तो बाद की बात है, लेकिन पहले आना और उनको हर एक चीज़ समझाना कानूनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब आप किसी पेशेंट को उसको पूरा डिटेल प्रोसीजर बताते हो कि हम क्या करने जा रहे हैं और हम क्या करेंगे, तो नेचुरली उनको भी ऐसा लगता है कि हाँ मतलब ये जो बोल रही है वो करेंगे। सो हमारा बेस्ट, मेरे को जब मैंने रिव्यूज लिए अपने पेशेंट से तो मुझे यही मिला, दे ऑल सेड कि मैम आपकी काउंसलर बहुत अच्छी हैं। मतलब मेरे से मिलने से पहले हमारे काउंसलर उनको ये सारा समझा देते हैं कि हम क्या करने वाले हैं और क्या नहीं, तो वो सब उनको क्लियर होता है। हमें मतलब मेरे को तो बस इतना बताना होता है कि हाँ जी आपको ये पता है, हाँ जी पता है, और अब हम ये करने जा रहे हैं, हाँ जी ठीक है। मतलब वो हमारा बहुत बड़ा हमारा प्लस पॉइंट है, हमारे काउंसलर बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि लोग कंसीव कर जाते हैं IVF वाले से, लेकिन आप लोग उनको जब तक वो डिलीवर नहीं हो जाते आप उनकी साथ एक रिश्ता बना लेते हैं और उनको गाइड करते हैं, उनको राउंड द क्लॉक कोई उनका स्कैन होना है और होना है और लास्ट तक लेकर जाते हैं कि आप उनको केवल कंसीव ही नहीं कराते, साथ में उनको संतान देकर ही भेजते हैं। हाँ जी बिल्कुल,
एक्चुअली ये है कि अगर हम जब यहाँ अवेलेबल हैं तो एक बार जैसे कंसेप्शन हो गया तो उसके बाद उनको ऑब्वियसली गायनेकोलॉजिस्ट के पास तो जाना ही है, तो वो फिर हमारे पास ही रोकते हैं क्योंकि वो पहले 3 महीने 4 महीने से हमारे से मिल रहे होते हैं, तो वो अटैच्ड होते हैं हमारे से, तो उनको ये नहीं लगता कि अब हम किसी और नए डॉक्टर के पास जाएं। तो हमारा भी ऐसा उनसे एक बॉन्ड बन जाता है जिससे हमें ये लगता है कि नहीं, दिस इज माई पेशेंट और मेरे को इसको अब प्रेगनेंसी के टर्म तक लेके जाना है और एक इनको हेल्दी बेबी देना है, तो दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर वहां से मेरा काम शुरू हो जाता है, मेरे को होता है कि इनको मैंने हेल्दी बेबी हेल्दी मदर देके घर भेजना है, तो दैट इज ऑल अ टीम वर्क। सर क्या कहना चाहेंगे कि ये मेल इनफर्टिलिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा सेंटर है, यहाँ पर आप लोग मेल्स को भी काउंसल करते हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम है चाहे उनके स्पर्म बहुत नील तक भी है तो भी उनको संतान शक्ति प्राप्त देते हैं? हाँ जी, अगर हमारे पास कोई अजुस्पर्मिक मेल आता है, मतलब जिनके स्पर्म नील है, तो उसके लिए पहले तो हमारे पास टेस्ट हैं, टेसा एंड पैसा, वो हम करके देखते हैं। अगर हमें लगता है कि सपोज हम इसको नहीं इनको नहीं ले सकते या इनका नहीं हम हमें सैंपल अच्छा मिल रहा कुछ, तो फिर हमारे पास ART बैंक की हमारे पास सुविधा है। तो ART बैंक में हमारे पास डोनर स्पर्म और डोनर एम्ब्रियोस दोनों रहते हैं, ऊसाई डोनर और स्पर्म डोनर दोनों रहते हैं, तो वो परमिशन हमें मिल चुकी है, तो उससे हम वो डोनर लेके हम उन पेशेंट्स को फ़ायदा दे सकते हैं जिनको अजुस्पर्मिया है या फिर जिनके एग्स फीमेल्स के एग्स नहीं बन रहे हैं या एज ज़्यादा है, कोई भी रीज़न हो, हम उनको डोनर का फैसिलिटी भी यहाँ दे रहे हैं। हमने ART बैंक भी स्टार्ट किया है अपने यहाँ पर। दर्शकों, अब आपको सिंगापुर जाने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको दूर दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको श्री गंगानगर में इस हॉस्पिटल में नवांकुर PMG एडवांस जो IVF सेंटर है उस पर आपको ये सुविधा भी मिल रही है। ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं आशा करती हूँ कि आगे भी आपके साथ हम ऐसे जुड़े रहें और नेक्स्ट टाइम आपके साथ आए और फिर एक नए प्रोसीजर के साथ आए हम। थैंक यू। PMG नवांकुर एडवांस IVF सेंटर श्री गंगानगर, थोड़ा बहुत स्वागत है जी। मैं एज ए मैनेजर थोड़ा बहुत स्वागत कर दाँगा। मेरे सेंटर में की फैसिलिटी है ना, मैं तुम्हें सारे कर दाँगा। रिसेप्शन एरिया जी है ना, ये साढ़ा IVF सेंटर हैगा, डॉक्टर शिवानी गर्ग ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट साढ़े को मैम है ना, ये साढ़ा काउंसलर रूम BMS डॉक्टर योशना, डॉक्टर बिक्रम सिंह जी बाटी उनका चैम्बर, OT IVF लैब, ये साड़ी OT है जी, IVF लैब, लैमिनर 160i इनक्यूबेटर, निकोन एक्टर 3 इक्सी सेंट्रीफ्यूज, पेशेंट रिकवरी रूम जी, चेंजिंग रूम, सीमन कलेक्शन रूम जी, नवांकुर ART बैंक, डॉक्टर प्रवीण गर्ग और डॉक्टर विक्रम सिंह जी बाटी, PMG हॉस्पिटल दी एमरजेंसी, डॉक्टर अंकित नरंग MBBS MS ऑर्थो इन्हों की ओपीडी है जी, हॉस्पिटल का रिसेप्शन, ये साड़ी फार्मेसी जी, साड़ा अल्ट्रासाउंड रूम जी।